आज हम बात करेंगे कि सीताफल के बीज जो हम फेंक देते हैं वो कितने हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और साथ ही हम सीताफल के सारे गुणों के बारे में बात करेंगे। ये एक अनमोल फल है जो सीता माता का फल कहा जाता है। और यदि आप इसके बारे में जानकारी देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि इसे बंदर नहीं खाता है, तो ये पुराना पौराणिक समय का एक फल है जिसमें बहुत ज़्यादा गुण पाए जाते हैं, जो किसी भी हमारे कोई भी मेडिसिन हमने अगर ले ली है और हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो इसके बीजों में वो गुण होता है जो बिल्कुल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ डायबिटीज़ में भी इसके बीज का हम बहुत अधिक प्रयोग करके अपना डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके बीजों का प्रयोग कैसे करके हम भयंकर से भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये बीज जो हैं अगर हम फेंक देते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर हम इसके बीजों का सेवन करें तो ये हमारे लिए निश्चित रूप से करोड़ों से भी अधिक का उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये कहा है कि सेहत जो है हमारे लिए पहला सुख होती है और इसे हम किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते हैं। इसके बीजों में जो ताकत है, जो फल के बीज हैं सीताफल के, इसके बीजों में इतनी पावर होती है जो महंगी से महंगी मेडिसिन में आप नहीं पाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ में हम इसके बीजों को सुखा करके इसका चूर्ण बना लेते हैं। चूर्ण को सुबह सुबह प्रातः आधा चम्मच हमें गर्म पानी से लेना होता है तो हमारी शुगर निश्चित रूप से कंट्रोल हो जाती है। दोनों तरह की शुगर में इसका बीज काम करता है। दूसरे जो इसका उपयोग है इसके बीजों का, ये हार्ट बीट को ठीक रखने में मदद करता है, उसी तरीके से हमें लेना है। साथ ही हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी इसके बीज मदद करते हैं। लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके बीजों को छाया में सुखा लीजिए। छाया में सुखा करके फिर आप मिक्सी में इनको पीस लीजिए। मिक्सी में पीसने के बाद आधा चम्मच आपको इसका सेवन करना होता है। ये बीज जो है अत्यंत कीमती है। इसके बाद मैं आपको इसके अन्य गुण बता देती हूँ। सीताफल खाने के बहुत अधिक गुण हैं तो जान लीजिए। सीताफल जो है वजन बढ़ाने में बहुत अधिक इसकी क्षमता होती है। अगर आप वजन बढ़ाने के सारे जतन करके थक चुके हैं तो ये इसके सीताफल का जो है आपके वो अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए और फिर आप अपना मनचाहा फिगर पा सकते हैं। सीताफल में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। विटामिन सी में शरीर से की हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि इम्यून सिस्टम है इसको बढ़ाने की क्षमता होती है। तो हर दिन एक बार सीताफल जरूर खाइए और अपनी सारी बीमारियों से बचे रहिए। क्या आप अक्सर कमजोरी महसूस करते हैं? तो सीताफल यह आपकी परेशानी दूर करेगा, थकावट को आपसे दूर भगा देगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ सीताफल दिमाग को शीतलता प्रदान करता है और आपको चिड़चिड़ेपन और निराशा से बचाता है। सीताफल दांतों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। इसे नियमित खाकर दांत और मसूड़ों में होने वाले दर्द से आप छुटकारा पा सकते हैं। खून की कमी एनीमिया से बचने का बहुत आसान ये उपाय है और इसका इस्तेमाल आप खून की कमी के लिए कर सकते हैं। सीताफल आँखों की देखने की क्षमता को भी बढ़ाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी और राइबोफ्लाविन ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए चश्मे के नंबर अपने आप कम हो जाते हैं। सीताफल में मौजूद मैग्नीशियम शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित करता है। पोटेशियम जो है इसमें होता है जिससे खून का बहाव यानी ब्लड प्रेशर में अचानक जो हमारे तब्दीली आ जाती है, बदलाव आ जाते हैं, उसे ये नियंत्रित करता है। दोनों प्रकार की शुगर मैंने पहले भी आपको बताया, दोनों प्रकार की शुगर को नियंत्रित करने में इसका उपयोग बहुत ही अच्छा हो सकता है और शरीर में होने वाली शुगर को सोख लेने का इसमें गुण होता है और इस तरह से यह शुगर में शरीर के स्तर जो हमारा शरीर में स्तर है शुगर का उसे सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। तो सीताफल एक लाजवाब स्वादिष्ट और मीठा फल होने के साथ साथ इसमें अनगिनत औषधीय गुण शामिल है। इसके बीजों को आप कभी भी फेंकिए मत। ज़रूरतमंद अगर आपको भी कोई दिक्कत नहीं है तो, और जिन्हें ज़रूरत है इसके बीज आसानी से नहीं मिलते हैं, कई क्षेत्रों में ये नहीं पाया जाता है, भारत के कुछ क्षेत्रों में इसके पेड़ जो है आसानी से पाए जाते हैं, तो जहाँ ये उपलब्ध नहीं है उनके लिए इसके बीज जो है वो बिल्कुल कीमती हो सकते हैं।
तो आप ये बीज किसी और को भी दे सकते हैं, जिससे उसका भी फायदा हो सकता है। तो अगर आप अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो इसके बीजों का सूखा करके सेवन करें और ये जानकारी औरों को भी दें, जिससे इसके बीज कोई नहीं फेंके। धन्यवाद।